इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022 पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और गोल्डन पीकॉक अवार्ड विजेताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट्स के लिए एक भव्य समारोह था। कुछ बड़े कॉरपोरेट्स के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, मानव संसाधन उत्कृष्टता, नवाचार प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन सहित कॉरपोरेट उत्कृष्टता में उनकी सफलता की कहानियों का जश्न मनाने का यह बड़ा समय था। अपने CSR और HR उत्कृष्टता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IODD द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं में से कुछ प्रमुख उद्योग और व्यापार समूहों से थे, जो भारत और विदेशों के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अमेजन वेब सर्विसेज, USA के स्टार ग्रुप, UAE, PTT, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पब्लिक कंपनी थाईलैंड, टोयोटा, किलोस्कर मोटर, बॉस ऑटोमोटिव थे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। गेल ने गैस क्षेत्र में CSR के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्राप्त किया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रदान किया। मंत्री गोल्डन पीकॉक अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने वर्ष 2021 के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव संसाधन उत्कृष्टता, जोखिम प्रबंधन और नवाचार प्रबंधन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर अशोक कपूर, IAS सेवानिवृत्त महानिदेशक निदेशक संस्थान ने कहा, हमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 के विजेताओं को सम्मानित करते हुए खुशी हो रही है। 1991 में IODD द्वारा स्थापित गोल्डन पीकॉक अवार्ड को अब पवित्र माना जाता है। गेल ऑफ कॉरपोरेट एक्सीलेंस वर्ल्ड वाइड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन अतनु चक्रवर्ती, अध्यक्ष HDFC बैंक और पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा किया गया। भारत के कुणाल संघवी, CFO HDFC सिक्योरिटीज, नवनीत मुनोट, MD और CEO HDFC AMC, विवेक कुमार दिवांगन, IAS CMD IECL, भारत और दुनिया के अन्य विभिन्न हिस्सों जैसे UK, USA, UAE, थाईलैंड, रूस और मलेशिया से 300 से अधिक कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली से DailyNewsOnline.in के लिए बंसीलाल की रिपोर्ट।